गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिकल साइंस यू सेट 2024। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो क्वेश्चन था, द एलिफेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स विच टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। जो आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है उसमें कौन सा सिग्मोट्रॉपिक होता है। ऑप्शन दिया है ए 2-2 सिग्मोट्रॉपिक, बी है 3-3 सिग्मोट्रॉपिक, सी है 3-2 सिग्मोट्रॉपिक, डी है 1-1 सिग्मोट्रॉपिक। तो इसमें से एक राइट क्वेश्चन आपको टिक करना है, ये निगेटिव मार्क का नहीं होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप रॉन्ग पे टिक कर दोगे तो 0 होगा, माइनस नहीं होगा। अगर एक्यूरेट हो जाए, करेक्ट हो जाए तो 2 मार्क्स का है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं हम, बहुत आसान है। पहले हम इसको टोटली पढ़ लेते हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट, ऐसे जो नेम रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं, देन उसकी रिएक्शन लिखेंगे, देन मैकेनिज्म बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा क्या होता है। तो स्टेप फर्स्ट से ही पता चल जाएगा। देखिए ये है, इसको हम कहते हैं 1-2-3 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को विनाइल कहते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 को हम कहते हैं एलाइल। तो ये एलाइल फिनाइल इथर, बीच में वो आ गया एलाइल फिनाइल इथर। ये रिएक्शन कब होती है, जब कोई भी एरोमेटिक कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन। अगर एरोमेटिक रिंग में ना जुड़ के बाहर जुड़ गया हो तो ये रिएक्शन होती नहीं है। सपोज करो ये इसी एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये ओ यहां पर होता किसी कार्बन के साथ, सपोज करो ये वाला कंपाउंड बनता, तो इस कंपाउंड के लिए क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट के लिए क्या होता है, रिंग में जुड़ा होना चाहिए। तो ये नाम हो गया इसका एलाइल फिनाइल इथर। इसमें क्या बनता है, देखिए इसमें बन जाता है 1-2-3 एलाइल फिनोल। क्लेजन रीअरेंजमेंट में एलाइल फिनाइल इथर कन्वर्ट इनटू 3 एलाइल फिनोल। तो हम इसको पहले थ्योरी लिखेंगे, एलाइल फिनाइल इथर कन्वर्ट इनटू 3 एलाइल फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी हो सकता है, ऑब्लिक एच में भी हो सकता है, फोटोकेमिकली फॉर्मेशन ऑफ 3 एलाइल फिनोल बाय 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन रीअरेंजमेंट, 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट STR। तो इसमें ऑप्शन जो हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। देन थ्योरी पर ही फिर रिएक्शन लिखी हमने, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अब इसके मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमारा राइट हो गया 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट 2 मार्क्स का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैकेनिज्म, हीट करो या फोटोन दो इसको, काउंटिंग करते हैं जहां पर ऑक्सीजन होता है, इसका नेक्स्ट कार्बन 1-2-3 ऑक्सीजन पे 1-2-3
इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट चेंज हो गया था, इससे प्रोडक्ट हमारा एक्यूरेट हो जाएगा। ये बन गया है 1, 2, 3। तो इसमें क्या होता है, 1, 1 बॉन्ड का लॉस होता है, N3, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 3, 3 सिग्मेट्रॉफिक रीअरेंजमेंट। तो देखिए क्या होगा, 1, 1 बॉन्ड टूटा, ये चला गया 1, 2 के बिटवीन, एंड 2 और 3 के बिटवीन जो कार्बन था इसकी बैलेंसी 5 होगी, ये अटैक कर देगा 3 पे, 2, 3 के बैलेंसी 5 होगी, ये बॉन्ड अटैक कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे ही जोड़ लो आप, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, देन ये बॉन्ड टूट के यहां पर आया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, 3, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, देन यहां पर H है। तो ये प्रोडक्ट सिंपली बन गया, H। ये जो प्रोडक्ट बना लेस स्टेबल बना, देन एरोमेटाइजेशन करेंगे, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इसकी मैं आपके 2 ही डबल बॉन्ड है, जब 3 बॉन्ड आएंगे तभी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो देखिए क्या होगा, 1, 2, 3 ये बॉन्ड यहां जाएगा, डबल बॉन्ड आया, एच पॉजिटिव निकल गया, ये बॉन्ड ऊपर गया, इस पे क्या आ गया, निगेटिव, निगेटिव ने अटैक कर लिया एच पे, ओ एच, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बन गया 2-allyl, 2-allyl phenol। तो हमने पहले वाले में जो इसका रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन में ये लिख गया था, उसका करेक्ट कर लेना, थ्री एलाइल फिनॉल बना दिया था, तो रॉन्ग है, 2-allyl फिनॉल बनता है। एक तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि कौन सा सिमेट्रोफिक है, 3-3 सिमेट्रोफिक रीअरेंजमेंट है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लैगियन रीअरेंजमेंट में 3-3 सिमेट्रोफिक से प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट ऑलवेज याद रखना 2-allyl फिनॉल बनता है। ऑप्शन दिया होगा 2-allyl phenol, 3-allyl phenol, 4-allyl phenol, तो आपका राइट आंसर होगा 2-allyl phenol। तो क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिएगा, यह है 3-3 सिग्मेट्रोफिक, प्रोडक्ट 2-allyl phenol। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकेंड क्वेश्चन, यू सेट 2024 टू मार्क्स का केमिकल साइंस से क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ 1,4-pentadiene। तो ये बुकलेट डी का 9 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आपका फोटोकेमिस्ट्री से आया है, जिसमें ये कह रहा है 1,4-pentadiene की अगर हम क्या करें, फोटोन से रिएक्शन कराए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इन रिएक्शन कहते हैं, ENE, इन रिएक्शन। तो देखिए सॉल्व, और इसमें जो ऑप्शन दिया है, प्रोडक्ट कह रहा है 1,4-pentadiene का फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑप्शन ए दिया है इथाइल साइक्लोप्रोपेन, बी ऑप्शन 1,2-dimethyl साइक्लोप्रोपेन, सी ऑप्शन विनाइल साइक्लोप्रोपेन, डी ऑप्शन नो रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको साइक्लोप्रोपेन से रिलेटिव जो बनाता है प्रोडक्ट इन रिएक्शन, ये इन रिएक्शन ऑलवेज आती रहती है, बार बार देखी गई है CSIR नेट में, देन यू सेट में एंड गेट में। सॉल्व कर रहे हैं हम, सबसे पहले ENE, इन रिएक्शन, केवल प्रोडक्ट ही पूछा है। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, क्या होता है इन रिएक्शन, देन हम इसका
रिएक्शन लिखेंगे, देन उसके बाद मैकेनिज्म। तो हम इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं, देखिए 1,4-साइक्लोपेंटाडाईन जो होता है, वन टू थ्री फोर फाइव नेम हो जाएगा, वन पे डबल बॉन्ड एंड फोर पे डबल बॉन्ड, वन फोर पेंटा डाईन, ये है रिएक्टेंट। इसका हमने क्या किया, फोटोन से रिएक्शन कराया, तो इसमें क्या होता है, टू थ्री बॉन्ड का ब्रेक होता है और टू फोर एंड थ्री फाइव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहां से काउंटिंग कर लेते हैं, वन टू फोर थ्री फाइव, देखिए क्या हो रहा है, टू थ्री बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टू और फोर का फॉर्मेशन हो रहा है और थ्री और फाइव का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री साइक्लोप्रोपेन बन गया और ये हो गया विनाइल। तो क्या बनता है प्रोडक्ट, विनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे पहले थ्योरी लिखोगे, वन फोर फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ वन फोर पेंटाडाइन फॉर्मेशन ऑफ विनाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस रिएक्शन इज नोन एज इन रिएक्शन। तो इसमें कभी पूछ देगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, देन कभी पूछ देगा कि प्रोडक्ट आपको दिया है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन को इन रिएक्शन कहते हैं। डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि जो ऐसे क्वेश्चन होता है उसमें वन पेंटाडाइन जुड़ा होता है। अब इसमें कहीं पर इसमें CH3 लग गया, कहीं पर बेंजीन रिंग लग गई, कहीं पर C2H5 लग गया, तो आपको कंडीशन यही देखनी है कि टू थ्री बॉन्ड का लॉस होता है, जो फॉर्मेशन होता है किस किस का होता है, टू और फोर एंड थ्री और फाइव। ये देखिए टू और फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, थ्री और फाइव का फॉर्मेशन हुआ, बाकी जो आपके सबस्टिट्यूट जहां जहां पर जुड़े होंगे वहां पर आ जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ लें। इन रिएक्शन की मैकेनिज्म, अब देखिए मैकेनिज्म भी बहुत आसान है इसकी, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, विनाइल साइक्लोप्रोपेन बनता है। सबसे पहले ये आपका गया S1 में, देन ISC हुआ, ये आपका चला गया ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन इंटर सिस्टम कन्वर्जन में ये चला गया T1 में, देन आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बॉन्ड टूटा, ये बन जाएगा ऐसे। रेडिकल बन गए हैं, देन यहां पर भी रेडिकल आ जाएंगे, ये बॉन्ड इधर को टूटा और इस रेडिकल ने यहां अटैक कर दिया और यहां पर भी रेडिकल आ गया, तो ये बन गया रेडिकल, रेडिकल ये इससे जुड़ रहा फोर पे, वन टू थ्री
5। देन ये रेडिकल, यहाँ पर भी रेडिकल आ गया, देन यहाँ पर भी रेडिकल आ गया, ये रेडिकल आपका इन्वर्सन वाला होगा, ये रेडिकल रेडिकल आपके कंबाइंड हो गए डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं, वन टू फोर थ्री फाइव। देन ये रेडिकल का देखो स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ है तो इन्वर्स होगा, इन्वर्स होने से ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, वन टू फोर थ्री फाइव। देन साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये बन गया वन टू फोर थ्री फाइव, टू और फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड थ्री और फाइव का फॉर्मेशन, तो बन गया विनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इन रिएक्शन फोटोकेमिस्ट्री के रिएक्शन है, कभी प्रोडक्ट पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन रिएक्शन में जो बनता है ऑलवेज प्रोडक्ट बनता है विनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 9 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया विनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 67 केमिकल साइंस यू सेट 2024 टू मार्क्स का क्वेश्चन था। ESR से इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से तो है द नंबर ऑफ लाइंस इन द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ CD3 रेडिकल्स, वैल्यू दे रखी है द स्पिन ऑफ डी ईच वन। तो देखिए जो रेडिकल हमको दिया है CD3 रेडिकल ये दिया है, इस रेडिकल की ESR में कितनी लाइंस आएंगी? ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, डी ऑप्शन 7। तो ये वही क्वेश्चन है जो CSIR नेट से लिया गया क्वेश्चन है, CSIR नेट में आया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यूसेट से, सेम टू सेम है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते कैसे हैं, टोटल ESR लाइंस के लिए जो फॉर्मूला होता है 2Ni+1, ये इसका फॉर्मूला है। N नंबर ऑफ किसके लिए निकालना हमें, D के लिए निकालना है, तो D कितने हो गए नंबर ऑफ D, N हो गए 3, I स्क्रीन वैल्यू जो I की I जो है स्क्रीन वैल्यू है, D की स्क्रीन वैल्यू इसने दे रखी है 1। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, टोटल लाइंस क्या आ जाएगा 2Ni+1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह पर 3 इंटू आई की जगह पर 1+1, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6 प्लस 1, टोटल लाइंस होगी 7। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है क्या है, डी राइट ऑप्शन है 7 लाइंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इसी का अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सिक्सटी क्वेश्चन था, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर पीडी विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आर 4D10। पीडी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 4D10, इसके लिए हमें ग्राउंड टर्मिनल निकालना है। ऑप्शन ए दिया है 1S0, बी ऑप्शन दिया है 2S1/2, सी ऑप्शन दिया है 2P1/2, डी ऑप्शन दिया है 2S0। तो एक क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, 60 नंबर का क्वेश्चन था बुकलेट डी का। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स फॉर पीडी विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आर 4D10 इज, ऑप्शन है 1S0, बी ऑप्शन 2S1/2, सी ऑप्शन 2P1/2, डी ऑप्शन 2S0। तो देखिए ग्राउंड टर्म है कैसे निकालते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ग्राउंड टर्म कहे या सिंबल्स कहे, टर्म सिंबल से कहे, दोनों एक ही है, ग्राउंड टर्म। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कोई मॉलिक्यूल नहीं दिया है। तो इसमें हमें केवल ऐसे क्वेश्चनों में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उसमें हम क्या देखते हैं, हाई स्पिन के लिए देखते हैं। अब इसमें हाई स्पिन का भी कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि डी में जो आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ग्राउंड टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है 2s+1 ln j। तो देखिए s है स्पिन क्वांटम नंबर, 2s+1 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देन l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, देन j है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। l देखिए l क्या होता है, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। 0 आ गई l की वैल्यू तो s, 1 पे p, 2 पे d, f, g, कैपिटल फॉर्म में होता है l की वैल्यू। देन जो j की वैल्यू निकालते हैं, j मैक्स निकालेंगे तो आ जाएगा l प्लस s, जे मिनिमम निकालेंगे तो आ जाएगा एल माइनस एस। तो ये वैल्यू निकालनी है, ऑलवेज जो होता है जे की वैल्यू एल से छोटी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा देन ग्रेटर भी नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, एल से छोटा होना चाहिए। जिस कंडीशन में एल आपका 0 आ गया तो उसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे, एस से करेंगे। और कभी भी इसकी वैल्यू 0 आ सकती है जे की वैल्यू, लेकिन माइनस में कभी नहीं आएगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीडी का हमको दिया है 4D10। सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल बना लेंगे, डी में 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, +1, +2, -1, -2, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। अगर हमें सपोज करो S की वैल्यू मिल जाए, L की वैल्यू मिल जाए, J की वैल्यू मिल जाए, उसको इसमें पुट अप कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारा ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल से निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं S, ये प्लस आप माइनस आप, 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 तो स्पिन क्वांटम नंबर तो क्या आ गया, 0 आ गया। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, 2 × 0 + 1 कितना आ जाएगा, 0 + 1 आ गया। तो s+1 की वैल्यू आ गई 1, देन हमको चाहिए l, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है देखिए कहां कहां इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है l की +2, तो कितना हो जाएगा +2 + 2 + 4, इसमें 2 है +1 + 1 + 2, 0 के रहने दीजिए, -1 - 1 - 2, -2 - 4, तो इनको ऐड कर लीजिए, प्लस को एक साइड माइनस को एक साइड, +4 + 2 + 6, -2 - 4 - 6, कितना आ गया l की वैल्यू 0। तो जो l की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है,
कैपिटल एस, देन जे एल प्लस एस, एल कितना है, एल भी जीरो है, एस भी जीरो है, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इसका ग्राउंड टर्म, ये सेम करते हैं, टर्म सिंबल 2s प्लस 1 एल जे, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, देखो 2s प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1, देन l की वैल्यू आ गई s, j की वैल्यू आ गई 0। PD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 था, तो उसका ग्राउंड टर्म में टर्म सिंबल से आ गया 1s0, तो ऑप्शन ए राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ग्राउंड टर्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, CSIR नेट की बात करें या गेट की बात करें या सेट की बात करें, हमेशा एक क्वेश्चन ग्राउंड टर्म से एक दो क्वेश्चन दिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाइट्रोजनेज इंजन से है कि इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं। फिफ्टी थ्री 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। दे राइजोरियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स ऑटोमोस्फेरिक्स ऑटोमोस्फेरिक इनटू नाइट्रोजन इनटू NH4 पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द राइजोरियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स ऑटोमोस्फेरिक N2 इनटू NH4 पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेज other than Fe which trace element the nitrogenase contains ऑप्शन ए डब्ल्यू, ऑप्शन बी सी यू, ऑप्शन सी एम ओ, ऑप्शन डी एन आई। तो ये क्वेश्चन नाइट्रोजनेज इंजन से है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है CSIR नेट में और यूसेट में भी आया है। कह रहा है द राइजोरियम बैक्टीरिया कन्वर्ट ऑटोमोस्फेरिक N2 इन NH4 पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ इंजाइम नाइट्रोजनेज इंजाइम है अदर देन Fe आयरन विच ट्रेस एलिमेंट द नाइट्रोजनेज कंटेंस। जो नाइट्रोजनेज इंजाइम है, बहुत बार पूछा गया है कि नाइट्रोजनेज इंजाइम में कौन कौन से मेटल होते हैं, देन ये नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करती है, देन उसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये 100% क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। जो हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम है, इसमें हमारे प्रोटीन के साथ Fe और MO मॉलिब्डेनम कंपाउंड होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन यूज होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजनेज एंजाइम किस चीज से लेके बनता है,
प्रोटीन्स प्लस आयरन प्लस एमओ, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, किस किस से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो मेटल होता है Fe और MO होता है और इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन का यूज होता है जो रिएक्शन होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये वाला भी रिपीट हुआ है। देन इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया, अदर देन आयरन के अलावा कौन सा होता है नाइट्रोजन एंजाइम में ट्रेस एलिमेंट, वो होता है MO, ऑप्शन सी करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।